सब रूठे पर अब ना रूठे, हमेशा सच बोलो ताकि तुम्हें कभी कसम खाने की जरूरत ना पड़े। तुम चाह भी नहीं सकते अगर अल्लाह ना चाहे। तहज्जुद तहज्जुद अल्लाह पाक की लाडली इबादत है। सोचो तहज्जुद गुजार अल्लाह पाक का कितना लाडला होगा। और जो अपनी नमाजों की हिफाजत करते हैं यही लोग जन्नतों में इज्जत वाले होंगे। तेरा फकीर हूँ मौला, सारे दुख तीन लफ्जों पर आकर खत्म, अल्लाह है ना। कभी कभी लगता है कि कोई नहीं मेरा, फिर याद आता है कि अरे नहीं अल्लाह है ना। वो कुल फरमाता है और चीजें हो जाती हैं, गुमान से आगे बयान से बाहर। इंसान की लालच का प्याला कभी नहीं भरता, क्योंकि इसमें नाशुक्री के सुराख होते हैं जो इसको भरने नहीं देते हैं। सिर्फ चाय नमाज वो जगह है जहाँ रो लो तो सामने वाला तमाशा नहीं बनाता। जो गलती ना करे वो फरिश्ता है, जो गलती करके डट जाए वो शैतान है, जो गलती करके तौबा कर ले वो इंसान है। लोगों ने कुछ दिया तो सुनाया भी बहुत कुछ, ए अल्लाह एक तेरा ही डर है। रब से जब भी मांगो रब को ही मांगो, जब रब तुम्हारा होगा तो सब तुम्हारा होगा। अगर सोच अगर खूबसूरत हो तो अल्लाह ताला तकदीरें भी बदल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह कहो और कहते ही रहो जब तक सांस बाकी है। मेरे साथ मेरा अल्लाह है, वो ज़रूर मेरे लिए रास्ता पैदा करेगा। है मेरे अल्लाह पाक तेरा डर हो मेरा सर हो, ये रास्ता रब्ता उम्र भर हो। थक गया हूँ अभी हारा नहीं हूँ, मेरे साथ मेरा अल्लाह है, मैं बेसारा नहीं हूँ। बेखौफ होने के लिए बाखिरदार होना ज़रूरी है। किताबों के अलावा जो चीज़ सबक देती है, जो चीज़ सबक देती है वो ज़िंदगी है। और बात जब मकाफाते अमल पे आ जाए तो इंतज़ार खुद खुद ब खुद सब्र में बदल जाता है। ज़मीन के ऊपर आजजी के साथ रहना सीख लो, ज़मीन के नीचे सुकून से रहा पाओगे। जानते हैं इंसान किसे कहते हैं, जिसकी आँख में एहतराम हो और अल्फाज में नरमी, जिसके अखलाक में रहम दिली और मुकासिद में आली आला सरफी। जो अब दरख्त पर सोए हुए परिंदे को गिनने नहीं देता, वो तुझे तन्हा कैसे छोड़ सकता है। बस इस पर भरोसा रखो, वो सब ठीक कर दे। जिन्हें यकीन हो मुकद्दर लिखने वाले पे, वो अंजाम से घबरा नहीं करता। हो सकता है जिस चीज़ के लिए तुम रोते हो वो बस तुमसे एक दुआ दूर हो। बस अल्लाह ही बेहतरीन मुहाफिज है और वो सब मेहरबानों से बड़ा मेहरबान है। नियत साफ हो तो नसीब भी बदलने लगते हैं। लोगों को हक बात भी वो पसंद है जो इनके हक में हो।
खामोश रहो, सिर्फ खुदा ही है जो तुम्हारे दिल का बोझ उतार देगा। मेरी लाख बुराइयों को जानते हुए भी मुझसे बेहद मोहब्बत करने वाला सिर्फ मेरा अल्लाह है। ठिकाना कब्र है तेरा, इबादत कुछ तो कर। गाफिर का कहावत है के खाली हाथ घर जाए नहीं करते।